प्रयागराज महानगर उपाध्यक्ष विजय वैश्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, विजय वैश्य ने सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम को अपना इस्तीफा भेजा है। इस्तीफे में कहा गया है कि प्रयागराज के कुंवर रेमती रमण सिंह को सपा से राज्यसभा का टिकट न देना पूरी तरीके से गलत है। तो वहीं विजय वैश्य ने बताया कि अखिलेश यादव ने कपिल सिब्बल को राज्यसभा का टिकट दे दिया है। ईडी और सीबीआई के जाल में फंसने पर कपिल सिब्बल से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कराने की मंशा को लेकर अखिलेश ने सिब्बल को सपा से राज्यसभा सदस्य के लिए प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं उपाध्यक्ष ने यह भी कहा है कि अखिलेश यादव की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इतना ही नहीं, सपा महानगर उपाध्यक्ष विजय कहते हैं कि वह पिछले 22 सालों से समाजवादी पार्टी के लिए समर्पित रहे हैं। प्रयागराज में पार्टी ने यह ट्रेंड बना दिया है कि यहां यादव को जिला अध्यक्ष और मुस्लिम को महानगर का अध्यक्ष बनाया जाएगा। वर्षों से यही परंपरा चली आ रही है। दूसरे कार्यकर्ताओं को मौका ही नहीं मिलता। इनके पिता रामचंद्र वैश्य स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे और मुट्ठीगंज इलाके से कई बार पार्षद रहे। तो वहीं उपाध्यक्ष पूर्व में पार्षद भी रह चुके हैं। विजय वैश्य ने आगे बताया कि समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता लोहिया ट्रस्ट और सपा महानगर उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष को भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।